रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से जबरन 135 करोड़ रुपए निकालने व आईटी विभाग के द्वारा दी गई नोटिस को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि भाजपा सरकार के इशारे पर टैक्स आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार आयकर विभाग द्वारा 4600 करोड़ की वसूली भारतीय जनता पार्टी से की जानी है, किंतु केंद्र सरकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। संध्या पर विगत कई महीनों से प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने का अवैध प्रयास किया जा रहा है। पहले आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक खाते जी आज किस बात के लिए बता सकते हैं? अभी आपने सुना होगा कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके इशारे पर लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति बदले की भावना से कार्य कर रही है। आयकर विभाग के द्वारा अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग एक महीना हुआ है, उसके खाते फ्रीज किए गए और 135 करोड़ रुपए की वसूली जबरन वसूल लिया है। इसके बाद कल फिर जब लोकसभा को चुनाव आया, उसके बाद फिर उन्होंने 1823 करोड़ रुपए की नोटिस जारी किया है। ये ग्राम दोगलिया में कैलाश लोहार है, उसने अपने माता पिता बलिराम और माता गोरी बाई को शराब के पैसे मांगने की बात को लेकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला चिकित्सालय रेफर करने पर उनका वहाँ इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी बूंदी द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई कर उसको आरोपी का गिरफ्तार किया और आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है और इसमें जो भी कार्रवाई है वो 12 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार भी किया और कार्रवाई की, और वो बहुत अच्छी थी क्योंकि एक ये ऐसा बेटा था जिसने अपने माता पिता के ऊपर ही प्राणघातक हमला किया, उसको तत्काल इसमें कार्रवाई करके थाना प्रभारी ने उसको तत्काल गिरफ्तार किया, जिससे न्यायालय पेश किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।